So, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing units and measurements, and this is video lecture number 9. I hope you have already watched part 1 to part 8 before watching this part 9. In this lecture, we are going to discuss about the dimension of physical quantity. What is dimension? Dimension of physical quantity means dimension means what? जैसे हम कहते हैं कि किसी रेक्टेंगल के डायमेंशन बताने, तो हम उसमें क्या बताते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसमें कौन कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, जैसे लेंथ है, ब्रेथ है, तो ये हम उसमें एक्सप्रेस करते हैं और कहते हैं कि 20 मीटर लेंथ एंड 10 मीटर ब्रेथ अगर है तो उसको हम कहते हैं 20 मीटर इंटू 10 मीटर डायमेंशन। तो ये एक मैथमेटिकल टर्म है जिसमें हम ये बताते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में बताते हैं, किसी चीज के एक रेक्टेंगल के डायमेंशन के बारे में बता रहे हैं, यानी रेक्टेंगल के डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहे हैं। वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी होती है उनमें कौन कौन सी क्वांटिटी इन्वॉल्व है उसको बताने का, उसके डिस्क्रिप्शन बताने को हम डायमेंशन कहते हैं। अब डिस्क्रिप्शन क्या क्या हो सकता है, तो हमने जैसा कहा है कि जितनी भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है ऑल ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 7 फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स लाइक दैट इज बेस यूनिट। तो उन 7 के जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उन्हीं के टर्म्स में हम बाकियों को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उन 7 में से कौन कौन प्रेजेंट है ये पता करना उसकी डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बारे में बताने के बराबर है। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बारे में हम बता रहे हैं, इसका मतलब है कि हम ये बता रहे हैं कि जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनमें से कौन कौन से इन्वॉल्व हैं और कौन कितनी पावर में इन्वॉल्व है, कितनी बार रिपीटेशन है उसकी। तो जितनी बार, जैसे मान लीजिए लेंथ 2 बार है तो लेंथ का रिपीटेशन 2 बार होगा, तो हम उसको लेंथ स्क्वायर लिख देंगे। इसका मतलब हुआ कि उसका स्क्वायर यानी पावर जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेंथ जो फंडामेंटल यूनिट है यहाँ पे ट्वाइस है। इसी तरह से टाइम का पावर अगर मैंने 3 लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम इसमें 3 बार रिपीटेड है। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस अबाउट द नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इन्वॉल्व इन एक्सप्रेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी एंड द पावर ऑफ दैट फंडामेंटल यूनिट्स एक्सप्रेस दैट हाउ मेनी टाइम्स दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व इन इट। सो दिस इज वॉट वी हैव टू लर्न एंड दिस इज वॉट वी हैव टू एक्सप्रेस टू रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो आइए इसके बारे में कुछ लिखते हैं और उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी राइट, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ये हमें आज सीखना है। सो द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी of physical quantities the dimension of a physical quantity express the powers that is exponent of the fundamental base units raised to express that physical quantity ठीक है। ये तो ये पावर जो है उसके रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करता है, और 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं ये जो उनकी यूनिट्स हैं उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो डायमेंशन हो जाता है। जैसे लेंथ, और लेंथ की हम यूनिट लेंथ को किससे लिखेंगे, लेंथ के रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एल है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया तो ये हो गया डायमेंशन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। इसी तरह से टाइम के बारे में अगर हमें लिखना है तो हम ऐसे लिख देंगे, अगर हमें लेंथ टाइम हो गया, मास लिखना है तो हम उसको एम लिख देंगे, एम का मतलब ये हो गया मास। इसी तरह से टेम्परेचर लिखना है, टेम्परेचर तो हम उसे केल्विन के लिख देंगे ठीक है।
एम्पियर करंट को लिखना है तो हम उसे ए लिख देंगे ऐसे। कैंडेला को लिखना है, कैंडेला को, तो हम उसे सी डी लिख देंगे ऐसे, ठीक है। और एटॉमिक सब्सटेंस को अगर हमें मेजर करना है, एटॉमिक सब्सटेंस को, तो हम उसे मोल लिख देंगे, मोल। और ये भी सब स्क्वायर ब्रैकेट में ही होगा। तो जो क्वांटिटी इन सातों में से प्रेजेंट होगा किसी फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करने के लिए, उनको हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम ये बात करते हैं कि स्पीड की बात करते हैं, स्पीड में क्या होता है। अच्छा पहले वॉल्यूम की बात कर लें, वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी का वॉल्यूम होगा तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। और लेंथ भी आपको, लेंथ भी, लेंथ हो या ब्रेथ हो या हाइट हो, सब एक लेंथ का ही पैरामीटर है। तो ये होगा एल इंटू एल इंटू एल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सबकी मेजरमेंट लेंथ में ही होती है, इसलिए क्या कहलाएगा, लेंथ क्यू। अब ये तीन बार ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट एक ही बार लिखते हैं, बट क्वांटिटी की रिपीटेशन तीन बार है, इसलिए वॉल्यूम को हम एल क्यू लिख सकते हैं। इसी तरह से एरिया को अगर लिखना है तो हम एल स्क्वायर लिख सकते हैं, सिर्फ इसमें लेंथ ही इन्वॉल्व है, इसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है, इसमें मास इन्वॉल्व नहीं है, इसमें एम्पियर इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरह से हम एरिया को एल स्क्वायर लिख सकते हैं। एरिया को क्या लिख देंगे, एल स्क्वायर। अब मान लीजिए कि आपको डेंसिटी लिखना है, तो डेंसिटी, डेंसिटी लिखना है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास होता है एम, मास को हमने एम लिख दिया और वॉल्यूम को लिख दिया एल क्यू। तो अब ये एल क्यू, इसको एक साथ लिखने में होगा मास और एल का पावर माइनस थ्री। ये निगेटिव पावर ये दिखा रहा है कि जो लेंथ है वो रेसिप्रोकल टर्म्स में प्रेजेंट है इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, और तीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि थ्री टाइम्स है, तो इसको एम एल का पावर माइनस थ्री। अब कुछ लोग इसको और स्टैंडर्ड लिखने के लिए लिख देते हैं एम एल का पावर माइनस थ्री टी का पावर जीरो। टी चुकी है नहीं इसलिए उसका पावर जीरो लिख दिया और एम का पावर वन लिख दिया। ऐसे भी लिखने में कोई बुराई नहीं है और ये भी लिखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये डेंसिटी किससे एक्सप्रेस हुआ, डेंसिटी एक्सप्रेस हो गया दो फिजिकल क्वांटिटी से, एक मास से एक वॉल्यूम से, इसमें मास भी प्रेजेंट है, तो ये डायमेंशन कहलाएगा। डेंसिटी का ये क्या है, डायमेंशन है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ये है डेंसिटी का डायमेंशन। इसी तरह से मान लीजिए कि आपको स्पीड लिखना है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखना है स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, और टाइम में किस में मेजर करते हैं, टी में। तो ये हो गया एल टी का पावर माइनस वन, ये हो गया स्पीड। स्पीड को हम ऐसे मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली एक लेंथ लिख सकते हैं, है ना। इसी तरह से एक्सेलरेशन की बात हो या वेलोसिटी की बात हो, तो वेलोसिटी भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को हम, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, उसको हम एल से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एल अपॉन टी हो गया, यानी ये भी होगा एल टी का पावर माइनस वन। तो वेलोसिटी हो या स्पीड हो, दोनों की डायमेंशन सेम है। डायमेंशन सिर्फ इतना बताता है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो कितनी बार प्रेजेंट है, प्रेजेंट है कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो कितनी बार प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं मान लीजिए एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ये है, चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो वेलोसिटी एंड दैट इज व्हाट एल टी का पावर माइनस वन, और टाइम फिर क्या है, टी। इसलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, एल टी का पावर, एक नीचे का पावर ऊपर जाएगा, माइनस टू, इसलिए एल टी का पावर माइनस टू लिख सकते हैं। अब हमें मान लीजिए फोर्स लिख रहा है, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन एम, एक्सेलरेशन का क्या लिखेंगे, एल टी का पावर माइनस टू। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एम एल टी का पावर माइनस टू ऐसे।
अब इसी तरह से आप आगे और बढ़े तो वर्क लिख सकते हैं। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स क्या है, फोर्स का आ गया आपका ML T का पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एल है, तो ये हो गया ML² T का पावर -2, ये हो गया वर्क। वर्क और एनर्जी दोनों क्या है, डायमेंशनली सेम है, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू ट्रांसफर इन एनर्जी भी होता है, तो एनर्जी को भी यही डायमेंशन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, वर्क और एनर्जी इसी तरह का होगा। अब इसी में थोड़ा और आगे अगर बढ़े, थोड़ा सा समझा देना है कुछ कुछ। पावर अगर आपको लिखना है, मान लीजिए, तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है ना। सो व्हाट विल हैपन, पावर वर्क के लिए हमने लिखा है ML² T का पावर -2, और टाइम है टी, तो ये क्या हो जाएगा, ML² T का पावर -3, ये हो गया पावर। इसी तरह से मोमेंटम की बात कर लें अगर हम, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होता है। तो ये मास को हम फिर लिख सकते हैं क्या, एम, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, L T का पावर -1, तो ये हो गया ML T का पावर -1, ये हो गया मोमेंटम। इसी तरह से आप लिख सकते हैं इंपल्स के बारे में, तो इंपल्स क्या होता है, इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स क्या होता है, एम मास इनटू एक्सेलरेशन, L T का पावर -2, और ये टाइम है आपका टी, तो टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ML T का पावर -1 रह जाएगा, -2 था, एक +1 हो गया, तो -1 रह गया। ऐसे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनकी डायमेंशन होती है, डायमेंशन नहीं होती और यूनिट होती है, जैसे रेडियन की बात किया था, रेडियन की क्या होती है, यूनिट होती है। एंगल, प्लेन एंगल की बात हमने की थी, प्लेन एंगल की यूनिट होती है, प्लेन एंगल की यूनिट होती है, इसका यूनिट है क्या, यूनिट है इसका रेडियन, रेडियन, और सिंबल क्या है, RAD, बट इसका कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। डायमेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि प्लेन एंगल डिफाइन कैसे होता है, प्लेन एंगल डिफाइन होता है कि आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है, और आर्क भी क्या है, लेंथ है, और ये भी क्या है, लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो ये क्या हो गया, ये लेंथ से लेंथ कट के ये 0 हो गया, यानी 1 हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटी भी होती हैं जो इनकी यूनिट होती हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होती, इसको डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहते हैं, ये है प्लेन एंगल की बात। इसी तरह से एक सॉलिड एंगल होता है, और सॉलिड एंगल भी क्या है, वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है, यूनिट को क्या कहते हैं, स्टेरेडियन कहते हैं, आपको पता है ना, इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं, SR से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डिफाइन कैसे होता है सॉलिड एंगल, आपको बता रखा है हमने, सॉलिड एंगल जो डिफाइन होता है वो होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, है ना, तो ये भी हो गया रेडियस स्क्वायर। एरिया भी क्या होता है, L² रेडियस भी क्या हो गया, L², इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये पूरा कट के क्या हो गया, 0, लेंथ की कोई, तो इसमें ये एक्सप्रेस कर पाना कि इसमें कितनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है ये हम नहीं कह सकते, ये एक कांस्टेंट है, इन्वॉल्व तो है लेकिन पता नहीं चलता एग्जैक्टली, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गए, तो उनकी अब डायमेंशन नहीं है, अभी प्रेजेंट में सॉलिड एंगल में कोई डायमेंशन नहीं है, यूनिट है। तो ऐसी भी क्वांटिटी हैं जिनकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती, तो इसकी यूनिट है बट देर इज नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। क्या ऐसी भी क्वांटिटी होती है जिसकी डायमेंशन यूनिट ही ना हो और डायमेंशन हो, यस होती है ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन तो होती है लेकिन यूनिट नहीं होती। जैसे स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन ये देखिए, पहले स्ट्रेन की बात करते हैं, स्ट्रेंथ होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। अब इसकी ना तो यूनिट होगी ना कोई डायमेंशन होगा, इसकी नो यूनिट नो डायमेंशन, चेंज इन लेंथ
अपॉन लेंथ। तो ये भी हो गया एल अपॉन एल। इसकी न तो यूनिट होगी न डायमेंशन होगा, सो नो यूनिट नो डायमेंशन। स्ट्रेस है, स्ट्रेस होता है इसकी होगी, क्यों? ये स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है? एम एल टी का पावर -2। और एरिया क्या हो गया? एल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? एम एल का पावर -1, टी का पावर -2। ऐसे कुछ क्वांटिटी होती है, जैसे प्लैंक कांस्टेंट है या और भी कोई कांस्टेंट होती है, उनको हम कह सकते हैं कि उनकी डायमेंशन होगी लेकिन उनकी यूनिट नहीं होगी। और कुछ ऐसे भी कांस्टेंट होते हैं जिनकी डायमेंशन भी होती है और यूनिट भी होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें, तो ये होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। इसलिए जी को हम डिफाइन कर सकते हैं एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। इसका मतलब हो गया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो यूनिट होती है, द जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कांस्टेंट, ठीक है। और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट हो गई, यूनिट क्या हो गया? तो यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और डायमेंशन की अगर बात करें तो इसकी डायमेंशन भी होगी। कैसे डायमेंशन होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की? ये देखिए डायमेंशन क्या होगा इसका, तो हमने फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी का पावर -2, एम एल टी का पावर -2, ये हो गया फोर्स का। और ये क्या हो गया? ये हो गया पूरा हमारा लेंथ स्क्वायर। और मास, मास दोनों है, मास किलोग्राम, तो एम इंटू एम एम स्क्वायर, ये भी हो गया एम स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 2 m² है, ऊपर m का पावर 1 है, तो m का पावर -1। l यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो l का पावर 3, t का पावर -2। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। यानी ऐसे भी कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन भी होती है और यूनिट भी होती है, और ऐसे भी कांस्टेंट होंगे जिसके न तो यूनिट होगी न डायमेंशन होगी। जैसे पाई है, पाई किसको डिफाइन करते हैं? पाई, पाई क्या होता है? पाई होता है एंगल रेडियन में, तो इसमें पाई एक रेडियन है, तो इसमें पाई की क्या होगी? यूनिट तो होगी लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होगा। पाई होता है अर्थ का सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है ना? तो इससे पाई डिफाइन होती है। तो पाई इसमें क्या होगा? इसमें यूनिट तो नहीं होगा, डायमेंशन तो नहीं होगा लेकिन यूनिट होगा। एंगल जो होता है पाई, यहां से डिफाइन होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क यहाँ पे होता है सर्कमफ्रेंस अपॉन रेडियस। तो ये होता है 2 πr, ठीक है, अपॉन आर। आर से आर कैंसिल हो जाता है, यानी लेंथ लेंथ खत्म हो जाता है, बचता है 2 π। तो ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसमें कोई डायमेंशन नहीं है, न तो इसमें एल है न टी है न इसमें कुछ और है। तो इस तरीके का ये एंगल जो है पाई, पाई एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं है और इसकी कोई यूनिट है? कोई यूनिट भी नहीं है। तो इसकी न तो यूनिट है रेडियन है, सॉरी यूनिट तो है, यूनिट है क्या? रेडियन, सॉरी यूनिट है इसका, कोई डायमेंशन नहीं है। ये बात हमने पहले बता दिया था, एंगल है जिसकी यूनिट है, यूनिट है क्या? रेडियन, और यूनिट इज रेडियन बट नो डायमेंशन, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनकी यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होती। कुछ ऐसी कांस्टेंट भी होती हैं जिनकी डायमेंशन भी होती है और यूनिट भी होती है, और कुछ ऐसी भी क्वांटिटी हो सकती हैं जिनका कि डायमेंशन होगा लेकिन कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है ना। कंसिडर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें क्या क्या होता है? इसमें ना तो यूनिट होता है न डायमेंशन होता है। हैज नो यूनिट नो डायमेंशन एंड नो डायमेंशन, इसकी कोई ना तो यूनिट होती है न कोई डायमेंशन होता है। इसी तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ये भी कंपेरिजन है, तो हैज नो यूनिट नो डायमेंशन। कैसे? साइन थीटा की क्यों नहीं होती कोई यूनिट कोई डायमेंशन? क्योंकि साइन थीटा अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप डिफाइन करते हैं तो ये होता है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन
हाइपोटेनस, है ना। और ये दोनों ही क्या होता है, लेंथ होता है, तो इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होता और कोई यूनिट भी नहीं होता, क्योंकि साइन थीटा की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट होता है, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो आप साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई वैल्यू नहीं, कोई ना तो यूनिट होती है ना डायमेंशन होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की भी ना तो कोई यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन होती है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ये सारी बातें अगर आप याद रखेंगे तो आपको फायदा होगा और किसी के भी क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे। तो डायमेंशन क्या होता है, बहुत इसकी लिस्ट लंबी है, किताबों में आपको दी गई होंगी, अलग अलग किताबों में, लेकिन जैसे जैसे क्वांटिटी आती जाएंगी वैसे वैसे उसके डायमेंशन के बारे में हम बताते जाएंगे। अभी हम अगर सारी डायमेंशन को डिस्कस यहाँ पे करेंगे तो चूंकि क्वांटिटी ही पता नहीं है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे कहाँ से आया कैसे आया, जैसे सरफेस टेंशन का हम नाम ले लें और आपको विस्कोसिटी का नाम ले लें, तो इस तरीके का जो अगर हम नाम लेते जाएंगे तो ये सब चीजें अभी आपको पता है नहीं, और जब पता नहीं है तो उसकी वैल्यू आप लिख पाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये रट्टे मारने पड़ेंगे, और रट्टे मारने वाली बात हम कोई सिखाते नहीं है। तो हम आपको जब उस टर्म आएगा तब हम आपको उसके डायमेंशन के बारे में बताएंगे और उसका डायमेंशन कैसे निकाला जाता है तब भी हम बताएंगे। जैसे भी प्लैंक कांस्टेंट है वो भी आपको नहीं पता तो कैसे आप निकालोगे। ये सब जो हमने अभी डिस्कस करी है ये सब पहले की क्लास में आपने पढ़ चुके होंगे, इसलिए उनके बारे में आप जानते थे, वर्क के बारे में जानते थे, एनर्जी के बारे में जानते हैं, आप ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में जानते हैं, ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट के बारे में जानते हैं, ये सब 9th क्लास से आप पढ़ते आए हैं, इसलिए हमने उनके बारे में आपको बता दिया। और आगे जो क्वांटिटी आने वाली है उसकी बात आगे की जाएगी, ठीक है। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे आपसे, कौन सी, तो अगली क्लास में हम बात करेंगे आपसे डायमेंशनल इक्वेशन का, ठीक है ना। और उस क्लास में इसके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स जो डायमेंशन है इसको लिखने से क्या फायदा है, हम इससे किस तरह के इक्वेशंस बना सकते हैं और हम कैसे किसी अनोन क्वांटिटी का डायमेंशन अंदाजा लगा सकते हैं, ये हम डायमेंशन के बारे में पता कर सकते हैं, ये हम कैलकुलेट करेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस।